हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ, आई वेलकम यू इन दिस लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री एंड होपफुली दिस इज गोइंग टू बी लास्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर फर्स्ट इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ. एक्चुअली लास्ट हमने जो लेक्चर में पढ़ा था वो था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस. तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारी लाइफ में. हमारी लाइफ में उसका क्या रोल है, डेली लाइफ में उसके क्या क्या इफेक्ट आ रहे हैं, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का. ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ. लेकिन एक बात आप लोग याद रखें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक म्यूचुअल प्रोसेस है. जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होगा. बट ये जो इफेक्ट आ रहे हैं हमारी लाइफ में या जो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं इफेक्ट, वो मेनली ऑक्सीडेशन की वजह से आ रहे हैं. बट रिडक्शन वहां पर होगा. इस बात को आप मन से निकाल लें कि सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा. जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन तो होगा ही होगा. बट जो चेंजेस आने वाले हैं वो ऑक्सीडेशन की वजह से आएंगे. इसलिए यहां पर सिर्फ इतना लिखा गया है कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ. तो दो मेजर इफेक्ट है हमारी डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से हो रहे हैं. कौन से हैं बच्चों? वो आपने सुना होगा क्लास 8th में ये वर्ड, कोरोजन ऑफ मेटल्स. तो एक तो है कोरोजन, लिख दे रहा हूं, या कोरोजन ऑफ मेटल सिंपली लिख लीजिए. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे काफी बड़ा ग्लोबल लॉस होता है हर साल. यानी कि काफी सारे मेटल इससे गल जाते हैं, उनका डिके हो जाता है धीरे धीरे. तो ये ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा लॉस है कोरोजन. ठीक है, अब इसको कैसे रोका जाए वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. कोरोजन क्या होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. और दूसरा होता है रेंसिडिटी, जो कि फूड से रिलेटेड है. जो हमारा खाना है वो खराब हो जाता है, उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल निकलती है, अनप्लीजेंट टेस्ट आ जाता है उसका. अगर उसको हम 2-3 दिन रख दें विदाउट, अब तो रिफ्रिजरेटर में हम लोग रख देते हैं, लेकिन रिफ्रिजरेटर में भी आप 10 दिन नहीं रख सकते उसको, वो खराब हो जाएगा. तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेंसिडिटी में, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी. तो ये दो बच्चों मेजर प्रोसेस है, मेजर इफेक्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारे डेली लाइफ में, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अलग अलग केसेस में. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस कोरोजन ऑफ मेटल. एक्चुअली हम पहले जानेंगे कि कोरोजन का मीनिंग क्या है. तो कोरोजन का मीनिंग मैं बोलता हूं कि दिस इज द प्रोसेस, ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच, पहले मैं लिख रहा हूं देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको समझाऊंगा. मेटल्स आर ग्रेजुअली, यानी कि धीरे धीरे, ईटन अप. ईटन का मतलब डिके ही से है मेरा, ईटन अप यानी कि उनका क्या होने लगता है, डिके होने लगता है, डीके, या उनको खाने लगता है. कौन खाने लगता है उनको, मतलब धीरे 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 वो डिके होने लगते हैं. तो इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ग्रेजुअली ईटन अप और डिके By the action of, किसके action से हो रहा है ये काम, By the action of atmospheric gases, बोल लीजिए, या atmospheric air. अब atmospheric air and moisture, और atmosphere में क्या है, humidity है, humidity आप जानते हैं, moisture. तो atmosphere में जो moisture है और जो air है, अब air is a composition of gases, उसमें carbon dioxide है, उसमें sulfur dioxide है, उसमें hydrogen sulfide है, और बाकी भी other gases हैं small amounts में. तो ये सारी गैसेस जो है वो मेटल की जो सरफेस ऊपर जो एक्सपोज होगी उससे रिएक्शन करती हैं, और उसकी ऊपर वाली जो सरफेस है उसका धीरे धीरे डिके करने लगती है, डिके होने लगता है. इसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, आपने सुना होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन. एक लेयर जम जाती है रेड ब्राउन कलर की आयरन के ऊपर, अगर हम उसको एक्सपोज टू एयर कर दें और उस एयर में मॉइस्चर हो, फिर वो उसका धीरे धीरे डिके होने लगता है और वो पाउडर बनकर, पाउडर या छोटे छोटे पीसेस बनकर वो ऊपर वाली सरफेस है जो वो टूटने लगती है, झड़ने लगती है. तो इस तरीके से वो आयरन जो ऑब्जेक्ट है वो डीके होने लगते हैं. तो उससे बचने के लिए हम उस पर पेंट करते हैं, कहीं गल्वनाइजिंग करते हैं, ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं. तो कोरोजन इज नथिंग, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ग्रेजुअली ईटन अप और डीके बाय द एक्शन ऑफ एटमोस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर. बस खत्म हो गया, इतना ही है कोरोजन का मीनिंग ही यही थे. क्या मीनिंग है भाई कोरोजन का, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल्स धीरे धीरे डीके होने लगता है एटमोस्फेरिक एयर के एक्शन के थ्रू और मॉइस्चर के थ्रू. एक्चुअली अब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, तो इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन में पढ़ रहे हैं. ठीक, अब इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और इसको कैसे रोका जाए. ठीक है, कहीं कहीं ये बेनिफिशियल भी होता है, 2-3 केस एक्सेप्शन है जो पढ़ना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है कि
इससे हमेशा लॉस होगा। मोस्टली बच्चे यही समझते हैं कि कोरोजन जो है उससे हमेशा ही लॉस होता है। मैं आपको एग्जेप्शन बताऊंगा। तो ये था कोरोजन। अब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स पे ही जनरली क्वेश्चन क्रिएट होंगे। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल नंबर वन बच्चों मैं पढ़ाने जा रहा हूं, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसकी केमिकल इक्वेशन में आपको पढ़ाऊंगा कैसे होती है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये बताऊंगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, तो इन रस्टिंग ऑफ आयरन व्हेन आयरन मेटल इज एक्सपोज टू एयर, ग्रेजुअली प्रोसेस है ये, कोई इंस्टेंट रिएक्शन नहीं है। आप समझिए कि इंस्टेंट रिएक्शन है, आयरन को एक्सपोज किया एयर में और तुरंत रिएक्शन हो गई, नो। इसलिए मैं लिखा था ग्रेजुअली इटिन। अगर आप आयरन ऑब्जेक्ट को एयर में एक्सपोज करोगे, जैसे आपकी साइकिल हो गया, वो साइकिल का जो रिम होता था, वो जब हम साइकिल नहीं खरीद के लाते थे तो बड़ा शाइनी शाइनी होता था, बट एक साल के बाद जब उस पर वाटर वाटर पानी वानी पड़ता था और उसके ऊपर की जो शाइनी लेयर थी वो हट जाती थी, तो उसके बाद फिर वो ब्लैक ब्लैक पड़ने लगता था, वो उसका एक ऑक्सीडेशन था, रस्टिंग हो जाती। और भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आपने अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे। तो आयरन मेटल क्या करता है, एयर में जो ऑक्सीजन गैस होती है उससे रिएक्शन करता है, प्लस ये जो वाटर है ये मॉइस्चर है, ठीक है। ये जो वाटर है ये भी वेपर फॉर्म में है, क्या है ये मॉइस्चर है, मॉइस्चर। अब मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी का जो अमाउंट है एयर में वो बढ़ता इंक्रीज भी होता रहता है, डिक्रीज भी होता रहता है। तो इसकी मॉलिक्यूल फिक्स नहीं, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं XH2O, ठीक है भाई, ये फिक्स नहीं है। तो क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा। ये केमिकल इक्वेशन में पढ़ा रहा हूं रस्टिंग ऑफ आयरन की, ठीक। यानी कि जब आयरन का कोरोजन होगा उसको स्पेशली हम रस्टिंग बोलते हैं, और किसी चीज को कॉपर का कोरोजन होगा और एल्यूमिनियम का कोरोजन होगा या फिर सिल्वर का कोरोजन होगा तो आप उसको रस्टिंग नहीं कह सकते। रस्टिंग इज अ प्रॉपर वर्ड विच इज गिवन टू द कोरोजन ऑफ आयरन ओनली, ठीक। तो अब जब इससे ये रिएक्शन करेगा तो बच्चों ये बनाएगा Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड, और इसके साथ में XH2O लग जाएंगे। ये सॉलिड और इसका जो कलर है वो ये एक ब्राउन कलर की लेयर है, ठीक है। और इसका नाम अगर केमिकल नेम देखें तो इसमें वाटर लगा और वाटर के लिए वर्ड आता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और जो उसका कॉमन नेम है स्टूडेंट्स वो है रस्ट। कॉमनली इसको रस्ट बुलाते हैं, बट जो उसका केमिकल नेम है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी कि जो अभी तक आप रस्ट पढ़ रहे थे, केमिकली इट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और इसका कलर है ब्राउन। ये हो गई इसकी केमिकल इक्वेशन। अब इसको कैसे, इससे कैसे बचा जाए वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो दिस इज ऑल अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन विच इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ आयरन। तो ये हो गया आयरन का कोरोजन। अब उसके बाद बारी है सिल्वर की। क्या सिल्वर में भी कोरोजन होता है? तो आंसर है यस, सिल्वर में भी कोरोजन होता है। नंबर टू एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कोरोजन ऑफ सिल्वर को क्या कहते हैं, कोई नाम इसको दिया जाता है क्या? तो बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है ये, एक वर्ड आएगा टर्निश या टर्निशिंग, ठीक है। तो जब सिल्वर का कोरोजन होगा तो हम उसको बोलेंगे टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, ना के रस्टिंग ऑफ सिल्वर। इस बात को आप याद रख लीजिए, सिल्वर के कोरोजन को टर्निशिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो सिल्वर है, चांदी, वैसे तो वो बहुत ही लो रिएक्टिव मेटल है, बट चांदी का जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी कहना चाहिए सिक्का वगैरह जब होगा, तो बहुत सालों के बाद, 5, 6, 7, 8 सालों के बाद वो काला पड़ने लगेगा, ब्लैक होने लगेगा वो। अब क्यों हो रहा है ब्लैक वो? ये रहा आपका सिल्वर, जो कि बहुत अनरिएक्टिव मेटल है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे आता है, आपने देखा होगा। तो इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेरिक एयर इन वेरी 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 स्मॉल अमाउंट, बट होती तो है ना। तो सिल्वर जो है वो और किसी रिएक्शन, और किसी गैस से रिएक्शन नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करता, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर लेता है, हाइड्रोजन सल्फाइड से, और यहां पर बनाता है Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। ये एक ब्लैक कलर का लेयर होता है जो उसकी ऊपर वाली सरफेस पे कोट हो जाता है, यानी कि व्हेन सिल्वर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन सल्फाइड फ्रॉम एटमोस्फेयर देन अ ब्लैक कलर कोटिंग कैन बी सीन ऑन द अपर सरफेस ऑफ द सिल्वर आर्टिकल्स, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टर्निशिंग ऑफ सिल्वर विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस इस प्रोसेस में इवॉल्व होगी, बट ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बट होता है।
तो ये हो गया आपका कोरोजन सिल्वर का, जिसको हम बोलते हैं टर्निशिंग। इसकी केमिकल इक्वेशन को भी आप नोट करेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे बच्चों में क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ मतलब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। देखिए, क्या कॉपर का भी कोरोजन होता है? तो इसमें भी कम से कम 8-10 साल का टाइम लगता है कॉपर का। नंबर 3, कोरोजन ऑफ कॉपर पहले के टाइम में, यानी कि अगर मैं बहुत पहले की बात करूं, एंशियंट इंडिया की बात करूं, तो जो करेंसी थी, जो पैसे थे, पहले तो बार्टर सिस्टम होता था, आपको याद होगा, फिर बार्टर सिस्टम आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम के बाद फिर गोल्ड के कॉइन्स आए, सोना उस टाइम बहुत था, फिर सोने के सिक्के बने, फिर जैसे जैसे सोने की कमी हुई होगी चांदी के सिक्के बने, फिर एक टाइम आया जो कॉपर के कॉइन्स बने, जो महाजनपद पीरियड जो आपका था, तो उस टाइम में आपको कॉपर के सिक्के देखने को मिल सकते हैं। अब उस टाइम के जो भी, यानी कि जब हमारा क्या हुआ, एक्सकेवेशन हुआ, ठीक है, कई सारी ऐसी साइड मिली जहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई हुई, तो वो सिक्के मिलते हैं, ठीक है ना, सिक्के मिलते हैं। अब वो सिक्के जो है उनका कलर ग्रीन हो जाता है, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। ये बहुत सारे जो पुराने कॉपर के आर्टिकल्स मिले हैं, जैसे राजा महाराजाओं के ज़माने के, वो कहना चाहिए बर्तन टाइप जो मिले हैं, जग गिलास इस टाइप से प्लेट्स उनकी, वो सारे कॉपर के जो आर्टिकल्स हैं, वो अब उनके ऊपर एक ग्रीन लेयर जम चुकी है। अब वो ग्रीन लेयर ही कॉपर का कोरोजन कहलाती है, यानी कि कॉपर का कोरोजन हो गया। वो कोरोजन कैसे हो गया, उस लेयर को पैटीना बोलते हैं, पैटीना। ये बहुत कम बच्चे जानते हैं क्लास में, इवन कोई नहीं जानता, मैं बोलूंगा, क्योंकि इस लेवल पे तो पहुंचते ही नहीं है, और कॉपर का कोरोजन किसी 10th क्लास की बुक में मेंशन भी नहीं है। बट यहां पर मैं कोरोजन पढ़ा रहा हूं आपको, इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। बट सर, कॉपर के कोरोजन का कुछ नाम है, तो जनरली इसको कोरोजन ऑफ कॉपर ही बोलते हैं, बट कुछ स्पेशल केस में इसको हम इरोजन ऑफ कॉपर बोल सकते हैं, इरोजन, ठीक है। जैसा कि मेरी रिसर्च रही है इस पर, तो कोरोजन ऑफ कॉपर को इरोजन बोल सकते हैं जनरली, बट अदरवाइज आप कोरोजन ऑफ कॉपर ही बोलते हैं। अब ये कैसे हो सकता है, एक्चुअल में ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहले कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड बनाता है, फिर वो फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनाता है, फिर वो जाकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्शन करके आगे का प्रोसेस करता है। बट यहां पर हम इसको एक सिंपल रिएक्शन से आपको पढ़ा रहे हैं, आपके स्टैंडर्ड के लेवल पर। तो ये कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गई, और ये आपका वाटर हो गया, मतलब मॉइस्चर है ये, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। तो इन सब से कॉपर रिएक्शन करेगा एटमॉस्फेयर में, और एक डबल सॉल्ट बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट CuCO3 और CuOH का होल ट्वाइस। ये एक डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट इसकी भी कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो बार मेटल आ रहा है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं। वो आगे जाके हम देखेंगे जब एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ेंगे। तो इसको जनरली हम पैटीना बोलते हैं, पैटीना ये ग्रीन कलर की लेयर है। क्या नाम हो गया इसका, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये ग्रीन कलर की कोटिंग है, ग्रीन कोटिंग, ठीक है। इसको आने में कम से कम 8-10 साल का समय लगता है, कम से कम, ठीक। बट कोरोजन कॉपर का हो सकता है, तो ये रिएक्शन होगी कोरोजन ऑफ कॉपर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको नंबर 4 पे एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूं जो बेनिफिशियल होता है, यानी कि कोरोजन बेनिफिशियल होता है। अभी किस केस में बेनिफिशियल होता है, बच्चे जानना तो चाहेंगे कि सर कॉपर भी, सॉरी कोरोजन भी बेनिफिशियल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का आप कोई आर्टिकल लाइए, एल्यूमिनियम के हम डोर लगा देते हैं, जनरली आप क्लिनिक्स में जाएंगे या इस तरीके से कमर्शियल लेवल पे एल्यूमिनियम का काफ़ी यूज़ है, जो पार्टीशन किया जाता है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया तो उसमें एल्यूमिनियम की दीवारें बना के और उसमें गिलास का यूज़ करके पार्टीशन बना लिए जाते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बना लिए जाते हैं, ब्लॉक बना लिए जाते हैं। किसी आईटी कंपनी में देखिए तो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ना, जिसमें एम्प्लॉय बैठते हैं, तो वो सारे एल्यूमिनियम के डिवीज़न होते हैं। अब एल्यूमिनियम का क्या कोरोजन नहीं होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के आर्टिकल डायरेक्टली इस तरीके से उनको शेप में ला के कट करके लगा दिया जाता है। तो अगर एल्यूमिनियम का कोरोजन होता तो एल्यूमिनियम का क्यों लगाते, बट एल्यूमिनियम का कोरोजन होता है कैसे, एल्यूमिनियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और एक लेयर बनाता है Al2O3, जो वाइट होती है, लगभग प्योर वाइट से, मतलब इस जैसी चौक जैसी वाइट नहीं होगी, एक सॉलिड लेयर। तो एल्यूमिनियम की जो ऊपर वाली सरफेस है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। तो ये भी क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, किसका, एल्यूमिनियम का। तो ये एक वाइट कलर की पाउडर्ड लेयर है,
बट इट वर्क एज अ प्रोटेक्टिंग लेयर. अब क्या हुआ, मान लीजिए ये कॉपर एल्यूमिनियम का कोई आर्टिकल था, ये इसकी ऊपर वाली सरफेस ने एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और इसके ऊपर एक लेयर जम गई. वो लेयर किसकी है, वो लेयर इसके ऊपर कोट कर जाती है, ठीक है, कोटिंग हो गई. अब ये कोटिंग हो गई जो कि इसको फर्दर कोरोजन से बचाएगी, विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फर्दर कोरोजन. यानी कि अब नया एल्यूमिनियम एक्सपोज टू एयर तो होगा नहीं, क्योंकि जो एल्यूमिनियम न्यू एल्यूमिनियम है वो तो उसके अंदर छुप गया है ना, समझ रहे हैं बात को. तो ऊपर जो ये लेयर है, अब ये पाउडर की फॉर्म में इस पे से झड़ती नहीं है, मतलब इसी के ऊपर चिपकी रहती है. तो जो एल्यूमिनियम था उसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर जम गई, यानी कि इट वर्क एज अ प्रोटेक्टिव लेयर विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द फर्दर कोरोजन. तो ये अब इसको बाकी कोरोजन से बचाएगी. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम का कोरोजन बेनिफिशियल है. इसी तरीके से एक नंबर 5, आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, सैंड पेपर से साफ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है उसके ऊपर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि उसको फर्दर कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है, सेम एज एल्यूमिनियम. तो इस टाइप में जो कोरोजन है ये बेनिफिशियल है हमारे लिए, इतनी बात आप याद रखिएगा. अगर कोई पूछे कि हाँ भाई इन एनी केस कोरोजन कैन बी बेनिफिशियल, तो इन द केस ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम कोरोजन कैन बी बेनिफिशियल. समझ पा रहे हैं बात को. तो ये थे बच्चों आपको कोरोजन के इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एक आयरन का हो गया, एक सिल्वर का हो गया, एक कॉपर का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया और मैग्नीशियम का हो गया. इतना डिटेल में तो आप किसी बुक में नहीं पाएंगे, ठीक. तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे हाउ कैन बी प्रिवेंट कोरोजन. भाई प्रिवेंट से मैंने क्या कहा था कि कोरोजन से एक ग्लोबल लॉस हो रहा है पूरी दुनिया में, जो आर्टिकल्स हैं वो डिके हो रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो मेटल्स हैं वो डिके हो रहे हैं. तो इससे कैसे बचा जाए, तो भाई जब साइंस इतनी डेवलपमेंट कर चुका है साइंस, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ किया गया होगा, बिल्कुल किया गया है. तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये रही हमारी नेक्स्ट हेडिंग, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन. कैसे करके प्रिवेंट करेंगे, तो पहला जो प्रोसेस है, तो पहले में हम क्या करेंगे, बाय पेंटिंग. अब इसके बारे में डिटेल में लिख दीजिएगा आप कि वी कैन प्रिवेंट कोरोजन बाय पेंटिंग आयरन आर्टिकल्स. अब सब पे तो पेंटिंग करेंगे नहीं, मान लीजिए जो हमारे आयरन के आर्टिकल्स हैं, मान लीजिए कोई बेंच हो गई, कोई डेस्क हो गई, अब उसमें लोहे के पाइप लगे हुए हैं, ठीक है ना, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई, अलमीराज हो गई, तो उन पे आपने देखा होगा पॉलिश हो जाती है, आयरन शीट की अलमीराज होती हैं, तो उन पे पॉलिश होती है या पेंट होता है, तो वो पेंट उसके ऊपर लेयर बना लेता है. तो आयरन जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता है एयर में, तो उसका कोरोजन बच जाता है. अब मैं कहूँ एक गाड़ी है आपके पास, एक व्हीकल है, मोटर बाइक है, अब उसकी चेन में पेंट कर दीजिए, तो चेन में तो हमें स्मूथनेस चाहिए, क्योंकि वो गाड़ी फिर चलेगी कैसे. अब मैं अगर चेन में पेंट कर दूंगा वो चेन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी तो फिर वो मोशन कैसे करेगी. तो देखिए अब यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, आप ये नहीं कह सकते कि सारे आयरन आर्टिकल्स पे या सब पे पेंट कर दीजिए तो आपका कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या ऑफ दैट आर्टिकल, जिस टाइप का भी आर्टिकल है उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम प्रिवेंशन मेथड अप्लाई करेंगे. तो जो चीजें मान लीजिए डेकोरेशन की हैं या जिनको एक जगह रखे हुए रहना है, एक जगह हमें रख देना है, उस टाइप की चीजों पर हम पेंटिंग कर सकते हैं, बात समझ में आ गई. दूसरा तरीका क्या है कि हम प्रिवेंट कोरोजन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो एक है बच्चों बाय ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग. हाँ, ये वो पार्ट हो गए मशीन के जो मोशन करते हैं, क्योंकि वहां पे तो पेंट करोगे तो फिर मशीन ही खराब हो जाएगी. अब आपने देखा होगा अंदर के इंजन, गाड़ियों के इंजन हैं, उनके पार्टिकल्स हैं अंदर, पार्टिकल्स पार्ट्स बोल लीजिए, ठीक है, और जो हमारी चेन्स है जो मोशन कर रही है बहुत सारी व्हीकल्स के अंदर मेनली, तो उसमें हम उसकी ऑयलिंग और ग्रीजिंग करते हैं, तो वो ऑयल और ग्रीज उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, जिससे वो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है और प्रोटेक्शन उसकी रहती है. बट अब ये हर जगह ऑयल ग्रीज थोड़ी लगा दोगे, अब आपने डेस्क पे जिस पे आप बैठते हैं वो आपकी आयरन की बनी हुई है, उस पे आपने ऑयल लगा दिया तो आपके खुद के कपड़े गंदे हो जाएंगे. तो ये सारा प्रोसेस है, तो ये भी नेचर के अकॉर्डिंग, जिस तरीके का हमारा आर्टिकल्स या जो ऑब्जेक्ट का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग हम उस पे ऑयल और ग्रीज का यूज कर लेंगे. मेनली उन पार्ट्स पे ऑयल ग्रीज लगाते हैं जो मशीन के पार्ट्स होते हैं जो मोशन करते हैं, ठीक है. उस ऑयलिंग से क्या होता है, फ्रिक्शन भी कम हो जाता है, स्मूथ भी चलेगा और कोरोजन भी बच जाएगा. नंबर 3, अब तीसरा क्या है, अब ये डेकोरेशन के उसमें काम आता है और एक शाइनी लेयर होती है, प्रोसेस आपने शायद सुना हो, गैल्वेनाइजिंग. तो गैल्वेनाइजेशन पूछा जाता है क्लास 10 में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैल्वेनाइजेशन,
ये गैल्वेनाइजिंग। तो मैं बता देता हूं ये क्या है। इट इज द प्रोसेस इन विच आयरन आर्टिकल्स कोटेड विद अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक। जब हम जिंक की कोटिंग आयरन के आर्टिकल्स पे करते हैं वो उनका कोरोजन नहीं होने देती बिकॉज वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो इसी को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनाइजिंग। अब मान लीजिए बहुत सारे स्टील, देखिए गैल्वेनाइजिंग स्टील यूज होता है, स्टील के जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं वो चाहे क्रॉकरी के हो, चाहे मान लीजिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स के हैंडल हो, ठीक है, या फिर बहुत सारे जो भी मान लीजिए बर्तन टाइप होते हैं उसके हैंडल होते हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह यूज होती होंगी, जो भी स्टील की चीज़ें बन रही है, अब उनका कोरोजन हो जाएगा। या जो हमारी बाइक्स हैं उनके जो व्हील होते हैं, व्हील उनको अलॉय व्हील बोलते हैं ना, अलॉय व्हील, ठीक है, पहले तो स्टिक्स के आते थे, तीलियां होती थी उसमें, अब अलॉय व्हील आने लगे हैं। तो उसमें उस केस में जितना भी आयरन यूज होता है उसका हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन से क्या है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर भी उसके ऊपर चढ़ जाती है, फिर उसके ऊपर हम शाइनी कलर या कुछ भी पॉलिश वगैरह भी कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। मेनली गैल्वेनाइजिंग इज अ प्रोसेस इन विच आयरन आर्टिकल्स कोटेड विद अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक। तो ये तीन मेथड हैं बच्चों जिससे आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कोरोजन से बचा जा सकता है। आ सकता है क्वेश्चन और आता है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन, तो ये तीन मेथड मैंने शॉर्ट में बताएं, बाय पेंटिंग ये हेडिंग डालेंगे और इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, बाय ऑयलिंग ग्रीजिंग इसमें आप ये हेडिंग डालेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था बच्चों कोरोजन। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हमने बताया था कि दूसरा इफेक्ट क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हमारी लाइफ में, तो दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी बच्चों सिर्फ इतना सा प्रोसेस है, क्या है भैया, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल कॉम फैट कंटेनिंग फूड क्या होगा, जो खाना हम बनाते हैं जिसमें फैट होगा, यानी कि ऑयल वगैरह, जिसमें थोड़ा बहुत भी ऑयल वगैरह हम डालते हैं या ऑयल में फ्राई करते हैं, खाना मोस्टली ऑयल में ही बनता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल फैट कंटेनिंग फूड, यानी कि जिस खाने में क्या होगा, ऑयल होगा या फैट होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा टू कन्वर्ट इनटू अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो जिससे वो कन्वर्ट हो जाएगा उसमें से एक अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, खाना खराब हो जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, और टेस्ट भी खाने लायक वो रहेगा नहीं, उसी को हम बोलते हैं इस कॉल्ड रेंसिडिटी बच्चों। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से वो रिएक्शन कर लेते हैं। तो बस रेंसिडिटी इतना सही प्रोसेस है। रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच फूड एंड सॉरी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इन टू अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है। अब इसके क्या इफेक्ट हैं वो आप समझ गए होंगे, जो खाना है वो क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंसिड फूड हो गया ये। अब सीधी बात है इससे बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। तो देख लीजिए यही इंपॉर्टेंट है कि रेंसिडिटी से कैसे बचा जाए। तो पहला प्रोसेस समझ लीजिए, पहला कैसे बचेंगे, तो पहला आप ये कह सकते हैं कि जो पैकिंग है, पैकिंग फूड आता है, मान लीजिए चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, उनको ऑयल वगैरह में फ्राई किया जाता होगा, ऐसी जितनी भी चीजें होंगे, तो पैकिंग ऑफ ऑयल या फिर फैट कंटेनिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस। अब यहां पे क्वेश्चन बनाया एनसीईआरटी ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एनसीईआरटी ने क्वेश्चन बनाया है कि वाई फैट कंटेनिंग फूड, या मान लीजिए पैक्ड फूड, मेनली पैक्ड फूड जैसे चिप्स आ गए जो पैकेट में आते हैं,
तो वाई पैक्ड फूड इज फिलस्ड विद नाइट्रोजन गैस, तो जो पैक्ड फूड है वो नाइट्रोजन गैस के साथ क्यों फिलस्ड किया जाता है। मान लो इस तरीके से ये कोई पैकेट है, पता नहीं अजीब सा बन गया, ये ऐसा ही होता है कुछ, चिप्स का पैकेट मान लो ये है, इस तरीके से ये पैकिंग हो गई। अब इसमें ये मान लीजिए चिप्स हो गए यहाँ पर, और ऊपर इसमें गैस भरी हुई, याद रखिए वो जो पैकेट आता है ना चिप्स का या जो कुरकुरे वगैरह खाते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस या एयर नहीं होती है, उसमें होती है नाइट्रोजन गैस। अब इससे क्या फायदा है, तो एक्चुअली नाइट्रोजन गैस इज वेरी अनरिएक्टिव गैस, जो एटमोस्फेरिक रिएक्शन से रिएक्शन करती नहीं है, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करेगी भी तो इसको टेम्परेचर चाहिए 2500 डिग्री सेल्सियस, जो कि पॉसिबल नहीं है जनरली इस तरीके से, जब लाइटनिंग होती है या किसी इंडस्ट्री में जहाँ पर वो बनती है ना फर्नेस होती है, फर्नेस समझते हैं ईंटें वगैरह जहाँ पर बनती हैं, तो वहाँ पर ये पॉसिबल होता है इतना टेम्परेचर, तो तब जाके नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। एनीवे, तो जो पैक्ड फूड है हमारा उसको हम नाइट्रोजन गैस से फिलस्ड करते हैं, तो ये नाइट्रोजन गैस एक बैरियर का काम करती है इस फूड के और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद दिस फूड, तो ये कुछ डिजाइड टाइम तक जो है, जब तक आप इस पैकेट को खोलेंगे नहीं तब तक इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब आप पैकेट चिप्स का खोलिए और एक दिन रख दीजिए, तो वो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, सील सा जाएगा, उसको बोलते ना सील गया, ऐसा करके सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लफी फ्लफी, और उसमें से ऑयल छूटने लगेगा और वो फिर खाने लायक नहीं बचेगा, अगर आपने उसको खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव गैस है जो एक बैरियर क्रिएट कर देती है एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन और उस पैक्ड फूड के बीच में, और उसका रिएक्शन नहीं होने देती ऑक्सीजन से, तो इस तरीके से हम रेंसिडिटी से बच सकते हैं। दूसरा, बाई कीपिंग फूड, जो भी फूड है, इन एयर टाइट कंटेनर्स से मेरा मतलब है वैक्यूम समझते हैं, वैक्यूम वो एरिया है जहां पर ऑक्सीजन ही नहीं होती है, वैक्यूम, तो जब वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं है, एयर टाइट कंटेनर है बिल्कुल, तो उसकी रिएक्शन नहीं होगी और वो बचा हुआ रह सकता है। आपके घर में, आपके किचन में जो मम्मियाँ वगैरह होती हैं, तो वो जो भी चीज़ें आती हैं बाजार से, घर का सामान आता है, तो वो उनको एयर टाइट कंटेनर में रखती हैं, आपने देखा होगा, अदरवाइज वो खराब हो जाएंगे। बिस्किट्स, आपने किसी पैकेट में से अगर बिस्किट निकाल लिए तो आपको उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो बिस्किट क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, नमकीन होगी खराब हो जाएगी, उसमें भी ऑयल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, बाय कीपिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, क्योंकि जब सूरज की लाइट उस पर पड़ती है तो वो ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ा देती है, तो सनलाइट से हम उसको दूर रखेंगे जो भी खाना है। रेंसिडिटी को स्लो किया जा सकता है याद रखिए, लेकिन उसको पूरी तरीके से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भी खाना है, कोई भी खाने की चीज़ है जिसमें फैट और ऑयल है, तो वो कभी ना कभी तो खराब हो गई, ऐसा नहीं कि उसको आप 20 साल तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो रेंसिडिटी को हम स्लो कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, बट उसको कम्प्लीटली प्रिवेंट करना नामुमकिन है। तो ये कुछ मेथड है जो उसको स्लो कर देते हैं, ठीक है, जब तक हम फिर उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो वो खराब होने से बच जाता है और हमारा लॉस भी बच जाता है। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये तीन प्रोसेस हो गए, अभी और भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नंबर फोर्थ पे जो है बच्चों, वो है कीपिंग द फूड इन रिफ्रिजरेटर। अब ये भी क्या करेगा, जब टेम्परेचर कम हो जाता है ना, खाने को जब आप फ्रिज में रख देते हैं, ऐसा नहीं बोलिए कि फ्रिज में आप रख दीजिए 50 दिन के लिए तो वो खराब नहीं होगा, तो रिफ्रिजरेटर में रखने पर रेंसिडिटी रेट जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जब कम होता है तो ऑक्सीजन जनरली रिएक्ट नहीं करती है। तो कीपिंग द फूड इन रिफ्रिजरेटर, ठीक है। और एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, पांचवा, बाई एडिंग, जो भी फूड हमने बनाया है, सारे नहीं, जैसे मार्केट का आप देखते हैं ऑयल कंटेनिंग फूड है, मैंगो पिकल, आम का अचार हो गया, या ऐसे और भी बहुत सारी चीजें, तो ये खराब नहीं होती, जबकि उसमें अचार में तो बहुत ऑयल होता है, मैंगो पिकल्स में तो बहुत ऑयल होता है, वो ऑयल में पूरा डूबा रहता है, तो सोचने वाली बात है वो खराब क्यों नहीं हो रहा है। तो उसमें दो बातें, एक तो उसमें नमक बहुत तेज होगा, अगर आपने मार्केट के अचार का टेस्ट किया हो, देखो बच्चों यही केमिस्ट्री, आप पहले बात ये समझ लीजिए, अभी अचार की बातें और ये सब कहाँ से आ गई, केमिस्ट्री का मतलब ये, वो किताबी ज्ञान, वो रटना, वो सब केमिस्ट्री नहीं है, पहली बात तो आप इतना ध्यान समझ लें। अगर आप उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे तो आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल, वो हम अपनी रियल लाइफ में तो अप्लाई कर पाए, तब तो पढ़ाई का मतलब समझ आता है। तो वो उसका
नमक बहुत तेज होगा। नमक भी एक एक्चुअली बच्चों प्रिजर्वेटिव है, जिस चीज में नमक बहुत तेज हो जाता है उसमें रेंसिडिटी का रेट स्लो हो जाता है। दूसरी बात, अब सिर्फ नमक ही नहीं है वहां पर, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो लेबोरेटरी में तैयार होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, जो उस खाने में मिला दिए जाए। जब मान लीजिए खाने की इंडस्ट्री बनी होगी, फूड पैकिंग इंडस्ट्री बनी होगी, पहले तो बहुत पुराने टाइप पे चले जाइए तो क्या थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, आईटी इंडस्ट्री थी, इस तरीके से ये सारी इंडस्ट्री थी। बट जैसे जैसे टाइम कहना चाहिए बीतता जा रहा है, फूड इंडस्ट्री भी आ गई है। तो फूड इंडस्ट्री तो नहीं चाहेंगे हमारा इतना सारा प्रोडक्शन खराब हो जाए, तो उन्होंने क्या किया भाई, केमिस्ट से, जो भी उनके यहाँ क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, केमिस्ट डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, तो उन्होंने लेबोरेटरी में एंटीऑक्सीडेंट तैयार किए, वो उस खाने में मिला देंगे, जिससे वो खाना हमारा मार्केट में बिकता रहे, खराब ना हो। सीधी सी बात है, तो नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो नीड है, जो जरूरत है, वो इन्वेंशन को जन्म देती है। जैसी जैसी आपको जरूरत होगी वैसे वैसे आपका इन्वेंशन होते जाते हैं, जरूरत के अकॉर्डिंग इन्वेंशन होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आ रहा था पहले, वो टंगस्टन के बल्ब यूज होते थे, अब LC, उसके बाद क्या आई, वो आई CFL के बाद क्या आई, LED आ गई, जो 7 वॉट की होती है, पहले वो बल्ब होता था 100 वॉट का। तो देख रहे हैं 10 गुना यानी कि 10 टाइम से भी कम हो गया इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। तो जैसी जैसी जरूरत होती है, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे जो रिसोर्सेज है वो खत्म होते जा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कोल हो गया। तो अब उन्होंने कहा कि भैया इसको कैसे बचाया जाए, तो जरूरत पड़ी तो LED का आविष्कार हो गया। तो जरूरत इन्वेंशन को जन्म देती है फिलहाल, तो भाई ऐसी तरीके से जरूरत ने एंटीऑक्सीडेंट को जन्म दिया। अब मैं 2 एग्जांपल बता रहा हूँ आपको एंटीऑक्सीडेंट, जो एज अ एंटीऑक्सीडेंट खाने में मिक्स किए जाते हैं, जो भी पैक्ड फूड या इंडस्ट्रियल फूड होता है, और जो रेंसिडिटी से उसको बचाते हैं, पूछा भी जाता है एग्जाम में। एक है BHA और एक है BHT, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। BHA एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसका नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एंड A फॉर एनिसोल। BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ऐसे रहेगा एंड T फॉर टोल्यून। तो दीज आर 2 एंटीऑक्सीडेंट्स विच मिक्सड विद पैक्ड फूड एंड कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, समझ आ रही है बात आपको। अच्छा, मैंने बताया था जैसे नमक एक प्रिजर्वेटिव है, जो बाहर कहना चाहिए फूड, जैसे फूड में मेनली मान लीजिए फिश हो गई, मछली, और जो फ्लैश हो गई एनिमल्स की, मीट हो गया, बीफ हो गया वगैरह वगैरह, चिकन हो गया, मटन हो गया, इस तरीके से चीज़ें हमारे इंडिया से क्या है एक्सपोर्ट करी जा रही है बाहर विदेशों में, तो उसको नमक लगा के पैक किया जाता है। तो नमक क्या है, प्रिजर्वेटिव है। दूसरा शुगर, जैसे जो जैम आते हैं आपने देखा होगा, जैम जो ब्रेड पे लगाते हैं, मीठा होता है, तो वो भी खराब नहीं होता, ठीक है ना, और जैम के बाद सॉस आता है तो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट मिले होते हैं। और शुगर, जो चीनी है, शुगर वो भी प्रिजर्वेटिव का काम करती है, अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा शुगर मिला दें, जैसे शुगर सीरप बना के रख लेते हैं, जो रसगुल्लों में चाशनी जिसको बोलते हैं, तो वो चाशनी कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, और शुगर भी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, ठीक है। तो ये प्रिजर्वेट, एंटीऑक्सीडेंट नहीं बोलेंगे, प्रिजर्वेटिव बोलेंगे, सॉरी। तो शुगर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। ये मैं एक्स्ट्रा में आपको बता रहा हूँ, बिकॉज जब बात चल रही है रेंसिडिटी की, तो दिस इज ऑल अबाउट रेंसिडिटी एंड कोरोजन। अब आपका ये चैप्टर होता है बच्चों कंप्लीट, तो यहां से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं कि कोरोजन का क्या मतलब होता है, और कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करते हैं, रेंसिडिटी क्या होता है, और रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करते हैं दूसरा, या फिर आपसे क्या पूछ लेंगे इसमें डायरेक्टली कि किसी भी एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताइए, या वो नाइट्रोजन वाले केस पे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि नाइट्रोजन के साथ पैक क्यों किया जाता है, या फिर ये पूछ लेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होती है और रस्टिंग की केमिकल इक्वेशन बताइए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पे बनते रहे हैं, CBSE से क्वेश्चन इसमें आते रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट, इसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है बहुत अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।